मथुरा में किसान महापंचायत के दौरान प्रियंका गांधी के भाषण के बीच में हंगामा हुआ। एक रेप पीड़िता ने प्रियंका के सामने न्याय की गुहार लगाई। प्रियंका ने बीच में भाषण बंद कर दिया। पीड़िता के माता पिता ने रो रो करके प्रियंका से मदद के इंसाफ की गुहार लगाई है वहां पर। दरअसल एक बलात्कार की पीड़िता जिसे इंसाफ नहीं मिल रहा था और प्रियंका गांधी के सामने अपनी बात उन्होंने रखी है। मातुल शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मातुल, प्रियंका गांधी के सामने फरियाद करती हुई महिलाएं, क्या है पूरा मामला? जी मैं आपको बता दूं, आज जो मथुरा में पाली खेड़ा में कांग्रेस की महारैली महा किसान पंचायत थी उसको संबोधित करने के लिए प्रियंका गांधी मंच पर पहुंची और संबोधन कर रही थी, तभी बीच में बल्ली जी पूछकर एक पीड़ित महिला वहां पहुंची। उस महिला क्या कहते हैं, उसको बच्ची कह सकते, 15-16 साल की बच्ची थी और न्याय की गुहार लगाने लगी। प्रियंका गांधी मंच में अपना संबोधन रोकते हुए नीचे उतरी और अपनी बच्ची को अपने साथ ले जाकर ऊपर बैठा दी और मंच पर से बोला कि मैं इससे अलग से बात करूंगी। पूरा मामला ये जो है रेप पीड़िता का भरतपुर के कांवा गाँव का है, जहां पर रेप पीड़िता का बच्ची का रेप करीब 26 अप्रैल को हुआ था पिछले साल, उसको लेकर अभी तक उसे न्याय नहीं मिला है। उसके जो आरोपी वो गिरफ्तार नहीं हुए, इसी को लेकर जब उनको पता चला कि प्रियंका गांधी आज मथुरा आ रही है तो उन्होंने न्याय की गुहार लगाने की प्रियंका गांधी के सामने अपनी मांग रखी कि कैसे भी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। जी